तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हमारे 2 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं चैलेंज के। आज है डे 14 हमारे 365 डेज 365 व्लॉग्स वाले चैलेंज का। एंड आज आपके लिए लाया हूँ एक रिव्यू, नहीं बस पिक्चर्स वगैरह और थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस जो नई हमारी ह्यूंडई ट्यूसॉन लॉन्च हो रही है या फिर हो गई है, ऑफिशियली लॉन्च हो गई है बट अभी तक शोरूम्स वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। बस प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोग 50,000 दे के उसे प्री बुक करवा सकते हो ताकि जब भी लॉन्च हो फर्स्ट डिलीवरी आपको ही मिले। एंड अभी मैं आपको इसकी ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह थोड़ी बहुत दिखाता हूँ, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की। काफ़ी चेंजेस कर दिए इंटीरियर में भी एंड एक्सटीरियर, तो लाइक पूरा चेंज हो गया। फ्रंट से पूरी लुक बदल गई है, ग्रिल्स की, हेडलाइट्स की एंड बैक लाइट्स पूरी चेंज हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स, एक सेकेंड। तो गाइस, ये रही हमारी ट्यूसॉन। ये मैं कार वाले साइट्स पे देख रहा हूँ। मैं आपको एक बार इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊँ। अभी जो स्पेसिफिकेशंस लाइक ओरिजिनली कंपनी से नहीं आई है, बस ये लाइक एस्टिमेटेड है कि लाइक पावर इसमें 157 BHP की होएगी, टॉर्क 191 Nm का टॉर्क होगा, 2000 CC इंजन तो होगा, वो सबको पता है। ये ऑटोमेटिक पेट्रोल 6 सीटर एंड ये अनवील्ड ऑन 13 जुलाई 2022। अभी तक लाइक लोकल डीलर्स पे अवेलेबल नहीं है बट प्री बुकिंग है स्टार्ट। तो अराइवल ये लाइक आपकी जीप कंपास को वो करेगी, एक कंपटीशन होगा उसका, या फिर सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस की, या फिर वॉक्स वैगन टी रॉक की। टी रॉक खैर बहुत कम दिखती है आपको ऑन रोड बिकॉज वो सिर्फ ऑर्डर्स पे आती है। बाकी कलर अभी इसमें दो ही दिखा रहा है, फैंटम ब्लैक एंड टाइफून सिल्वर, बट और भी कलर्स आएंगे इसमें। पिक्चर्स दिखाऊँ मैं आपको इसकी, तो पहले एक्सटीरियर देखते हैं हम। ये इसकी फ्रंट ग्रिल ऐसी दिखाई हुई है एंड देखते हैं ये फ्रंट ग्रिल। बाकी मेन जो इसकी लुक इस बार आई है वो इसकी फ्रंट ग्रिल एंड बैक प्रोफाइल से आई है। बैक प्रोफाइल दिखाऊँ आपको, ये साइड प्रोफाइल एंड ये देखो गाइस इसकी बैक प्रोफाइल, लाइक कितनी ज़्यादा चेंज है, बिल्कुल चेंज कर दी है। अगर पुरानी ट्यूसॉन दिखाऊँ मैं आपको तो बिल्कुल पूरी चेंज हो गई है ये, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो इस तरह का है हमारा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर देखते हैं अगर उसकी पिक्चर्स अवेलेबल है उसकी भी है पिक्चर्स अवेलेबल। इंटीरियर में इतना ज़्यादा चेंज नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक्सटीरियर बट काफ़ी चेंजेस है बिकॉज ये एक लग्जरी SUV में आती है ह्यूंडई की। ये देखो इंफोटेनमेंट, तो ऐसा इंटीरियर दिखाया अभी इसमें हमें। रिव्यूज एंड न्यूज में जाके एक बार देखे हम एक्सपर्ट रिव्यूज, नहीं अभी इस पे कोई नहीं है। तो यही सब अभी अवेलेबल है, आज सच इतना ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है इसके बारे में। मुझे तो लगा इससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी बट नहीं है। प्राइस एस्टिमेटेड 23 to 28, वो तो सबको पता है बिकॉज लाइक पुरानी वाली ट्यूसॉन का भी यही प्राइस था। बाकी टफ कंपटीशन होगा ये कंपास के लिए या फिर हमारी C5 एयरक्रॉस के लिए। बाकी C5 एयरक्रॉस तो खैर वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑन रोड है नहीं, बट ट्यूसॉन काफ़ी ज़्यादा ऑन रोड है पुरानी वाली भी, तो आई गेस ये वाली भी काफ़ी सेल होएगी। यही था गाइस हमारा ट्यूसॉन का लाइक एक छोटा सा ग्लिम्स इसका, एक्सटीरियर की पिक्चर्स, इंटीरियर की पिक्चर्स, थोड़ा सा प्राइस रेंज का आइडिया कि लाइक ये अराउंड 25+ ही रेंज करेगी आपको बेस मॉडल भी इसका। बाकी हाँ, एक लग्जरी प्रीमियम SUV में आ गई है ये। लाइक पुरानी वाली ट्यूसॉन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी बट लाइक लोग उसको पुरानी वाली क्रेटा से कंपेयर करते थे, बट लीक डिफरेंट है लाइक लेंथ में भी, हाइट में भी, सब कुछ बढ़िया ये क्रेटा से। पुरानी वाली ट्यूसॉन और पुरानी वाली क्रेटा की बैक लाइट्स बहुत थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी, बैक प्रोफाइल बहुत थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी, बट इस वाली की न्यू क्रेटा से कंपैरेटिवली बिल्कुल ही डिफरेंट लीक है, तो आई गेस ये गेम चेंजर होने वाली है। बाकी वीडियो बताना कैसी लगी आपको, और डेली आती रहेगी वीडियोस एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को एंड शेयर करना। बाकी मिलते हैं हम कल, बाय बाय।